रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस कर्मचारियों के अफसरों की चरण वंदना पर रोक लगाई है। महानिरीक्षक ने निर्देश दिए कि पुलिस कर्मचारी जय हिंद बोलकर अधिकारियों से संबोधन करेंगे। रीवा में पुलिस कर्मचारियों के लिए महानिरीक्षक चंचल शेखर द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने पुलिस कर्मियों के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के सम्मान में उनकी चरण वंदना या प्रणाम करने की प्रथा पर रोक लगाई है। दरअसल अक्सर देखा जाता है कि वरिष्ठ अधिकारियों से मेल जोल बनाने को लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों के द्वारा अफसरों की चरण वंदना की जाती है, जिसको लेकर अब आईजी चंचल शेखर ने आदेश जारी किया है कि कोई भी कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चरण वंदना या प्रणाम नहीं करेगा। सम्मान में संबोधन को लेकर अधिकारियों से जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसे शब्दों के प्रयोग किए जाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर का कहना है कि उन्होंने मामले को लेकर अपने क्षेत्र के तमाम पुलिस अधीक्षकों को सूचित किया है कि उनके द्वारा इस आदेश का पालन कराया जाए। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, मैंने परसों के दिन एक पत्र जारी किया है सभी एसपीज को, सभी अधिकारियों को, कि पुलिस अधिकारी देखे जाते हैं कि कई बार यूनिफॉर्म में लोगों के चरण स्पर्श कर रहे हैं, या नहीं तो फ़ोन पे भी अगर हम बात करें तो वो चरण स्पर्श ऐसा बोलते हैं और किसी तरह अन्य तरह की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जो पुलिस अधिकारी एवं उसके जो यूनिफॉर्म है, उसका जो वर्दी है, उसके गरिमा के अनुकूल नहीं है, गरिमा के प्रतिकूल है। तो इसलिए मैंने ये एक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यूनिफॉर्म में किसी का चरण स्पर्श करते हुए या वरिष्ठ अधिकारी का या किसी और का भी करते हुए पाया जाता है, या फ़ोन पे भी वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उस पर कार्रवाई होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।